हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ विंटर स्पेशल चिकन और वेजिटेबल सूप की रेसिपी। तो आइए रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में मैं एक टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर दूंगी और फिर उसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। और अब चिकन को 5 या 10 मिनट के लिए थोड़ा कुक करेंगे, जब तक इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता तब तक। तो जब चिकन थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा उसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी कैबेज, थोड़ी सी कैरेट और थोड़ी सी जो स्प्रिंग अनियन की अनियंस होती है ना, ऊपर वाला पार्ट होता है उसका, वो ऐड कर देंगे। और अब थोड़ी देर के लिए इन सब सब्जियों को भी इसके साथ कुक कर लेंगे। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी, और मैंने इसमें पानी पूरा एक जग डाला था क्योंकि मुझे सूप थोड़ा ज़्यादा बनाना था। इसलिए अगर आपको सूप कम बनाना हो तो आप पानी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूंगी और फिर प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और फिर इसमें वेट करेंगे 3 विसिल आने का। और ये देखिए विसिल आ गई थी, 3 विसिल लगाई थी मैंने इसमें। और जो ये चिकन और जो सब्जियाँ थी मैं इनको अलग कर दूंगी। तो अभी मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने पहले से 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करे हैं और 1 टेबलस्पून देसी घी का ऐड कर रही हूँ इसमें मैं। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी चॉप्ड जिंजर गार्लिक, थोड़ी सी हरी मिर्ची, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्प्रिंग अनियन की अनियंस और इन सबको थोड़ा टॉस कर लेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कैरेट और कैबेज। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़े से बॉइल्ड कॉर्न्स। और आप सब्जियां इसमें अपनी कोई भी मनपसंद सब्जी ले सकते हो, जैसे कि ब्रोकली, मशरूम, कैप्सिकम, जो भी आपको पसंद हो। और अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़े से मशरूम। और अब 10 मिनट्स के लिए इन सब सब्जियों को कुक कर लेंगे अच्छे से। अभी मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी श्रेड करा हुआ चिकन और जो सब्जियाँ मैंने बॉईल करी थी पहले वो। अब मैं ये सभी इनमें ऐड कर रही हूँ सब्जियों में। इन सब चीज़ों को भी कुक करेंगे अभी। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन और वेजिटेबल का स्टॉक था जो, वो इसमें ऐड करते हैं अब। तो अभी मैं इसको ढक दूंगी और 15 मिनट के लिए कुक होने दूंगी। तो चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं सूप को चेक कर लेती हूँ। और अभी सूप अच्छे से हो चुका है बॉईल। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस का ऐड करूंगी और 1 टेबलस्पून इसमें मैं विनेगर का ऐड करूंगी। तो अभी मैं सूप में ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर की स्लरी, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी मिलाया और फिर मैंने ये सूप के अंदर ऐड कर दिया है, जिससे सूप थोड़ा थिक हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको अब 10 मिनट के लिए और कुक करूँगी और हमारा सूप बिल्कुल डन हो जाएगा। तो देखिए बनके रेडी हो गया है हमारा चिकन और वेजिटेबल का सूप, जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है और विंटर्स में तो बिल्कुल आपको ट्राई करना ही चाहिए ये, क्योंकि इतना हेल्दी भी होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें चैनल को मेरे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।